नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। छोटे वीडियो की सीरीज में एक और वीडियो आपके लिए है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पेट साफ नहीं होता और लैट्रिन में चिपचिपापन रहता है और 2 से 3 बार लैट्रिन जाना पड़ता है, सुबह फ्रेश नहीं होती लैट्रिन। बहुत कॉमन समस्या है, छोटी सी समस्या है लेकिन यदि ठीक से मोशन नहीं हुआ तो बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। आज मैं उसके लिए आपको दवाई बता रहा हूँ, उस दवाई का नाम आपको नोट करवा रहा हूँ। यदि पेट साफ नहीं हो रहा है, लैट्रिन 2 बार या 3 बार जाना पड़ता है और क्लियर मोशन नहीं होता, तो दवाई का नाम नोट कीजिए। लैट्रिन चिपचिपा होता है, जो बेसिन में चिपकता है, मतलब लैट्रिन की सीट में चिपक जाता है, इस तरह का लैट्रिन होता है। बहुत बेसिक बात है लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता सुनने में, लेकिन फिर भी बात को समझिएगा। चिपचिपा मोशन मतलब प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ है, खाना प्रॉपर अवशोषित नहीं हुआ है, उससे पानी ज़्यादा अच्छे से अवशोषित नहीं हुआ है, मतलब बड़ी आंत और छोटी आंत बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं। क्योंकि अच्छे से अवशोषित होता तो बहुत बढ़िया होता और बहुत बदबू आती है। तो दवाई का नाम है लाइकोपोडियम 200, 4-4 गोली सुबह शाम 1-2 दिन ले लीजिए, आपकी ये तकलीफ बढ़िया हो जाएगी। यदि लंबे समय तक तकलीफ होती है तो दवाई को थोड़ा लंबे समय तक बना दीजिए और साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां बढ़ा दीजिए, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। ऐसा है, ये 2 मिनट का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आपका फायदेमंद होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर चैनल को और लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।